सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। सबसे ज्यादा मोटापे की समस्या माताओं को है, स्त्रियों को है। कारण क्या है कि आप लोग खाती तो बराबर हो पर काम बराबर नहीं करती हो। पछतानी है, पछता है। अब आप ज्यादा खा रहे हैं, काम बिल्कुल नहीं कर रहे, तो बैठा बैठा वो खाया हुआ जो अंदर है वो कुछ तो करेगा, वो चर्बी बढ़ाने लग जाता है। चर्बी बढ़ाता है तो आप मोटे हो जाते हैं, और जब आप मोटे होते हैं तो आपके शरीर में नाना प्रकार की बीमारियों का प्रवेश हो जाता। इसलिए मैं कहता हूँ, मेरी माँ, आप लोग कम से कम 6 किलोमीटर तो रोज चला करो। लिफ्ट है पर लिफ्ट से ना जाकर सीढ़ियों से जाया करो, इसी बहाने चढ़ना उतरना होगा। नहीं तो आप जितनी सुख सुविधाओं में रहेंगी आप उतना ही अपना नुकसान करेंगी। मैया, घर में आपको कोई काम नहीं बचा। काम वाली बाई बर्तन धुलती है, काम वाली बाई झाड़ू लगाती, अब आपको क्या? खाओ बैठे रहो, खाओ पड़े रहो, फिर क्या होगा? बुढ़ापा जल्दी आ जाएगा। मोटापा आया, बुढ़ापा आ गया, समय के पहले मर जाओगे। घुटनों का दर्द जो है बढ़ जाएगा, चला नहीं जाएगा। बैठे बैठे रोगी, पानी मांगोगी, भैया पानी दे दो, पानी भी उठा के पीने की तुम्हारी हिम्मत नहीं बचेगी, इतनी मोटी हो जाओगी। इसलिए मेरी माँ, अभी कह देता हूँ, आप कम खाया करो। एक बहन हमें मिली, वो बहुत मोटी थी। फिर उन्होंने एक डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने सलाह दी कि आप भोजन सदा सदा के लिए छोड़ दीजिए। वो कहती है, अरे डॉक्टर साहब मर जाएंगी बिना। डॉक्टर साहब ने कहा कि जितना भोजन आपको सारी जिंदगी में खाना चाहिए था उतना भोजन आपने 50 साल की उम्र में खा लिया है, अब ना खाना, खाओगी तो मर जाओगी, इसलिए अब ना खाना, पानी बस पियोगी तो तुम जिंदा रहोगी। ये जो तुम्हारी चमड़ी बढ़ गई है ना, चर्बी शरीर की, यह ना खाओ। ना खाने से क्या होगा, ये तुम्हारी चर्बी अपने आप पिघल पिघल के वही भोजन की तरफ पचने लग जाएगी और वह धीरे धीरे कम। भोजन करो नाक के बराबर। यदि मोटापा है तो की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि दुबला पतला आदमी खाना छोड़ दे। मैया, मोटापा नरक है। मोटापा क्या है? नरक है। इसलिए हम आपसे कहते हैं, मेरी माँ, आपको अभी से अपने आप को मेंटेन करके रखना होगा, खासकर स्त्रियों को, क्योंकि ये मोटापे की समस्या पुरुषों में होती है, पुरुषों में कम होती है, होती है पुरुषों में पर स्त्रियों में ज्यादा होती है। पुरुषों को भी चाहिए कि वो भी अपने आप को फिट रखें। माताओं को चाहिए कि आपको, देखो हमारे ये शास्त्र कह रहे हैं, पहला शास्त्र है सांख्य, दूसरा है योग। योग करो, ध्यान लगाना, ये भी योग के अंदर है। सवेरे रोज सूर्य नमस्कार की 12 आसन किया करो मैया। तो आप सभी से मेरी प्रार्थना है, अपने शरीर के मोटापे को आप कम कीजिए, है ना मैया।